हम कथा पर भी कहेंगे हम कथा पर कहेंगे दीदी कथा में 10 मिनट कथा बोल कर हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके बोलो लगता है जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोला श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की तदीय तिरुभाव महामहोत्सव की बोला श्री गिरिराज बाबा की निताई गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम महाराज जी एखन प्रणाम दिवेन ना एखन बंद कर दी एक तो पर प्रणाम दिवेन महाराज हरे कृष्ण। हाँ आप लोग अभी अभी तक श्री गौर किशोर दास वाज महाराज की दिव्य चरित्र के ऊपर में श्रवण कर रहे थे। इनकी जो प्रणाम मंत्र है क्या प्रणाम मंत्र है बोले नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलम्भ रसाम्बुधे पादाम्बुजायते नमः। कहते इनकी प्रणाम मंत्र मंत्र में ही इनकी महिमा उसी में ही गाई गई है। उसमें क्या बताए कहते विप्रलम्भ रसाम्बुधे पादाम्बुजायते नमः और साक्षात वैराग्य मूर्तये ये कौन थे बोले ये साक्षात वैराग्य का मूर्तिमान थे। क्योंकि जो महाप्रभु का भक्त है बोले महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर नारायण। महाप्रभु का जितने भक्त हैं जिसमें वैराग्य को ही प्रधान बताए इसलिए जितने महाप्रभु का रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ये जितने सबके सब गोस्वामी थे वो साधारण घर के नहीं थे। ये सबके सब बड़े बड़े राजा घर के सब भक्त लड़के थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के प्रति इनकी जब अनुराग हुई इसलिए हमारे श्री बिल्लो मंगल कहते हैं साध्वी माधी का चिंता न भवती सर करे कर्कशासी। तद अगर राधा कृष्ण का प्रेम रस का एक बूंद अगर किसी की आस्वादन का विषय हो कद विश्व ब्रह्मांड का जितने भोग वैभव उसको सामने सबके सब फीकी हो जाती है। इसलिए कहते सरकरे कर्कशासी बोले हे सरकरे तेरे तरफ में कोई देखेगा नहीं तू तो कर्कश हो गया तू तो कड़ुआ हो गई। बोले अमृत अमृतम असी बोले अमृत तू तो मर जा तेरे तरफ में कोई देखेंगे नहीं। बोले अधरा धरा मृतम बोले स्त्रियों का जो अधरा मृत को इसी जगत में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं भले अधरा मृत तू तो मर जा तू क्योंकि अभी राधा कृष्ण का जो प्रेम रस है वह अभी इनकी आस्वादन का विषय हुआ।
इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जीवन ही, इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य यही कहते हैं, वैराग्य युग भक्ति रसम, वैराग्य युक्त विद्या भक्ति योग, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्रिजः पर तमहं प्रपदे। इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जब महाप्रभु को जब स्तुति करते हैं, कहते महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेकम पुराण पुरुष। महाप्रभु भी जगत में ये वैराग्य विद्या को उन्होंने जगत में शिक्षा देने के लिए आए। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जीवन में कहते साक्षात वैराग्य मूर्त है, कहते ये वैराग्य का प्रतिमूर्ति श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे। वो रहते थे कहाँ पर, किसी पेड़ को नीचे है, नहीं तो किसी नाव में जो एक भूसा का जो एक कुटिया होता है कभी कभी उसको अंदर में रह जाते थे, कोई घर मकान नहीं था। खाते थे क्या, जिस बाजार में जो फेंक देते थे, जो बिकता नहीं उसको ला करके और महाप्रभु के लिए रसोई बना करके भज भक्त वत्सल भोग लगा कर उसको ही ग्रहण करते थे। इसलिए इनका जो जीवन है और वैराग्य, और करते थे क्या, जहाँ पर पायखाना है उसको अंदर में बैठ करके भजन करते थे और इतने जोर से चित्कार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतने जोर से चित्कार करके चीख चीख करके हरिनाम करते थे। कहते उनकी हरिनाम की प्रभाव से कहते घर का ईंट तक भी भगवान का नाम बोलता था। अगर कोई आकर के दरवाजा खटखटाए ना, नहीं खोलते थे, बोले मैं बीमारी हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी जब हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को भेजे, जब इन्होंने दरवाजा खटखटाए, बोले दरवाजा खोलो बाबा जी महाराज, बोले मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे ताकत नहीं। लेकिन जब बोले हम श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी कृपा पात्र है, बोले प्रभुपाद का कृपा पात्र सरस्वती ठाकुर का, तब उन्होंने दरवाजा खोले और इतना आशीर्वाद दिए, बोले तुम्हारे ऊपर में जितने विपत्ति आएंगे सारे विपत्ति को मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे वास्तव रूप में मेरे जीवन में जितना विपत्ति आई, जब जिस समय श्री प्रभुपाद को सहजिया लोग जाति गोसाई ये मारने के लिए कोशिश करते थे, सचमुच से हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का ड्रेस को उन्होंने ग्रहण कर लिया। कोई ले सकता है ये बात को, गुरु जी को बोलते सफेद कपड़े लो और हमें अपना सन्यासी वेश दे दो। इसलिए उन्होंने मानो अपना प्राण को हाथ का मुट्ठी में लेकर के उन्होंने प्रभुपाद का जान को उन्होंने बचाई। इसलिए इनको साक्षात वैराग्य, वैराग्य दो तरह का है, ये तो हो गया साधारण वैराग्य। वैराग्य तो पांच तरह का बताया है, फल्गु वैराग्य, प्रसव वैराग्य, मर्कट वैराग्य, श्मशान वैराग्य और युक्त वैराग्य। वैराग्य तो पांच तरह का वैराग्य है, लेकिन वास्तव रूप में वैराग्य प्रकृत तात्पर्य क्या है, बोले विशेष पूर्वक महाराज कह रहे थे ना, विशेष पूर्वक कृष्ण का चरण में ये जो अनुराग ये वैराग्य है। क्योंकि जो वैराग्य है अगर जोर जबरदस्ती वैराग्य करोगे वैराग्य नहीं रहेगी। इसलिए वैराग्य कब आएगी, बोले भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र, ये तृतीय स्टेज में बताया ये वैराग्य है। पहले भक्ति, भक्ति होने का साथ साथ भगवत चरण में अनुराग, जब भगवत चरण में अनुराग होगा बोले परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जब तक आपको कोई हायर टेस्ट नहीं मिले ना, आप जितने वैराग्य कर दो ये मर्कट वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो मनसान वैराग्य होगा, नहीं तो प्रसव वैराग्य होगा, लेकिन ये युक्त वैराग्य नहीं हो सकता है। लेकिन इसके इनके अंदर में वास्तव रूप में भगवान के चरण में अनुराग है। क्योंकि इन्होंने जो कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे ये भजन को गा गा करके, जैसे हमारे गोस्वामी लोग हैं, हे ब्रज देव के चल ललिते, हे नंदन सुन कुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंद मन गुत, घोषतांग मिति सर्वत्र ब्रज खेदैर महाभिहलौ, वंदे रूप सनातन रघुजगौ श्रीजीव गोपाल कौ। राधा कृष्ण का विरह में कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे गोस्वाई को हाँ डाके, कखन राधा कुंडे, कखन श्याम कुंडे, कखन गिरिराज गोवर्धने,
हे किशोर जी तुम कहाँ हो, हे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आप कहाँ हो। ये विकल से जो उन्होंने विरह पूर्वक जो भजन करते थे, इसलिए इनको क्या बताया, साक्षात वैराग्य मूर्ति। इनके अंदर में विशेष करके क्या गुण है, महाराज अभी बता रहे थे किसी वृक्ष का महत्व कब है, बोले फले ना परिचयते, फल को द्वारा ही किसी वृक्ष का महत्व हम समझ सकते हैं, हैं? कहते ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रूपी वृक्ष का फल कौन है, बोले साधारण फल नहीं। जैसे भागवत को बताया क्यों भागवत की इतने श्रेष्ठत्व, भाई ये वेद का इतने श्रेष्ठत्व क्यों है, बोले कारण है ये निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। इसलिए वेद का इतना महत्व है, उसका जो फल है ना ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ उसकी प्रपक्व फल है। वास्तव फल क्या है, बोले श्री इनका वास्तव फल क्या है, बोले फल है ये ब्रज गोपियों की अधरामृत, कृष्ण की जो अधरामृत है यही फल है। बोले वो अधरामृत को पान कौन करते हैं, बोले ब्रज गोपियां पान करती हैं। इसलिए ये भागवत की इतने श्रेष्ठत्व है। उसी तरह ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का इतने महत्व क्यों, कारण क्या, बोले कारण है महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मेरा नाम। एक दिन ऐसा आएगा शहर शहर में गली गलियों में कुंज कुंज में मेरा नाम गूंज उठेगा, सुख या लोग मर गायब के कीर्ति, सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज करते थे, बोले अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं, कहते एक तराजू लेकर के एक तरफ में सारे आचार्य का वैशिष्टता को एक तरफ में रख लो और दूसरे तरफ में केवल प्रभुपाद का वैशिष्टता तो रख लोगे ना, देखेगा प्रभुपाद का जो पल्ला है वो भारी पड़ेगा, प्रभुपाद का पल्ला भारी पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने कहा, प्रभुपाद जी आप ये शहर शहर में एक एक गौड़ीय मठ को ये शहर शहर में स्थापन कर दो। प्रभुपाद कहते शहर शहर में नहीं, गांव गांव में, बोले गांव गांव में नहीं, घर घर में, बोले घर घर में नहीं, एक एक इंसान को ही मैंने ये गौड़ीय मठ बना दूंगा। इसलिए प्रभुपाद का ही ये आशीर्वाद है। अभी लोग हम लोग जो थोड़े बहुत भजन कर रहे हैं किसकी कृपा है, ये प्रभुपाद। लेकिन ये प्रभुपाद को किसने जन्म दिया, किसने, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इनको जन्म दिया है। इसलिए ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की ये विशेष महत्व। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे प्रभुपाद को अंदर में और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के अंदर में कुछ वैशिष्टता है, बोले क्या है, लगता है जैसे प्रभुपाद ने अपना गुरु जी का कुछ विरोध किया, बोले क्या क्या विरोध किया, उनका पहला नंबर उपदेश था, बोले देखो ये जो कलिकता है ना ये कली का स्थान है, खबरदार कलिकता में जाना नहीं, ये कली जो ये कली का साक्षात कली का मूर्तिमान स्वरूप। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, जब सर्वप्रथम गौड़ीय मठ स्थापन किया कहाँ पर उन्होंने किया, बाग बाजार कलकत्ता में उन्होंने स्थापन किया। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्ग है ना, मेरे गुरुदेव भक्ति बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, माधव महाराज, उन्होंने कहाँ मंदिर स्थापन किया, सब कलकत्ता में स्थापन किया है। अभी हमें बोलेंगे प्रभुपाद का तो उन्होंने विरोध किया, गुरुदेव ने मना किया कली की जगह पर जाना ना, जाना नहीं, पहले वहीं पर गौड़ीय मठ स्थापन किए, सबसे पहला गौड़ीय मठ है, लगता है क्या उन्होंने अपना गुरु जी की विरोध किया, बोले नहीं विरोध नहीं किया, उन्होंने सचमुच से गुरु जी की अभिष्ट को स्थापन किया। बोले गुरु जी का अभिष्ट किया है, बोले श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदातिकम, यही गुरु जी का अभिष्ट किया है, संपूर्ण पृथ्वी में भगवान के नाम प्रचार हो। प्रभुपाद ने सचमुच से गुरु जी की अभिष्ट किया। दूसरा नंबर क्या विरोध दिखता है, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भजनानंदी, कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया, एक किसी घर में एक जगह पर रह करके भजन किया उन्होंने, लेकिन प्रभुपाद को दिखता है इन्होंने
गोष्ठानंदी, इन्होंने सारे 64 गौड़ीय मठ स्थापन किए। यहां भी दिखता है जैसे गुरुजी से उन्होंने विरोध किया है, बोले नहीं गुरुजी का विरोध नहीं किया, सचमुच से गुरुजी की उन्होंने अभिष्ट को स्थापन किया। बोले तीसरी नंबर जो विरोध दिखता है, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद को बोले थे जब मैं शरीर छोड़ूंगा मेरे प्यार में रस्सी बांध करके पूरा नवद्वीप को है निबद्ध में घिसाड़ते घिसड़ते हुए गंगा में मेरे शरीर को तुमने गंगा में बहा देना। अभी उन्होंने ये बात को बोले सारे बाबा जी लोग तो तैयारी हो गए, रस्सी ले आए, इनकी प्यार में रस्सी बांध करके घिसड़ घिसड़ कर हम फेंक देंगे। इतने में जब प्रभुपाद को पता चला तब प्रभुपाद आए, प्रभुपाद इतने डांट लगा, बोले मूर्खों कहां ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दीनता है, क्योंकि हर भक्त चाहते हैं ब्रज रज हमें मिले, धाम का रज हमें मिले, भक्तों का भावना तो त्रिनाद भी सुनी जाए ना तरुण भी सही सुनना। इसलिए महाप्रभु ने सिख्या दिया, क्या सिख्या दिया, हरिदास ठाकुर जब उन्होंने शरीर छोड़े महाप्रभु स्वयं अपना गोद में हरिदास ठाकुर को लेकर के उन्होंने समाधि दिया, और महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं उन्होंने समाधि दे करके महाप्रभु भिक्षा किया, भक्तों को बैठा करके भोजन कराए, महाप्रभु भक्त शरीर को इतना आदर किया, यहाँ तक उन्होंने जब समुद्र में स्नान कराया, बोले समुद्र अभी तक तुम तीर्थ था लेकिन हरिदास ठाकुर का स्पर्श से तीर्थ नहीं, तुमने महातीर्थ हो गया। महाप्रभु कितने बड़े आदर्श को स्थापन किया, और तुम लोग रस्सी ले आए घिसड़ करके फेंकने के लिए, मूर्खो तुम लोगों को जो पता नहीं इनका हृदय की भावना कैसे लगता है, जैसे इन्होंने कुछ गुरु वर्गों का विरोध किया, बोले विरोध नहीं उनकी जो हृदय की जो भावना को उन्होंने स्थापन किया इन्होंने। इसलिए गुरुदेव कहते थे भागवत का प्रथम स्कंध में बताया जो निरपेक्ष होकर के भजन करना चाहते हैं हाँ अच्छे तरह से भजन कर सकते हैं, विषय व्यक्तियों के पीछे घूमने का कोई जरूरत नहीं, भजन कर सकते हो। बोले भैया रहेंगे कहाँ पर भजन, बोले भगवान इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाए, बोले खाएंगे क्या, बोले इतना सारे पेड़ लगाया ना भगवान, बोले पानी कहाँ से पिएंगे, बोले नदी है ना कितने सारे नदी हैं, बोले पात्र कहाँ, बोले हाथ में अंजलि उठा कर पानी पी लो, बोले नींद सोएंगे तो बगैर तकिया के नींद नहीं आएगा, बोले भगवान ये हाथ क्यों दिया है इसको तकिया बना दो, बोले पहनेंगे कहाँ, बोले लोग मरने के बाद कितने कपड़े सारे फेंक देते हैं, उसी कपड़े को उठा करके गंगा में धो करके उसको पहन लो है पहन लो। कि जो भागवत का प्रथम स्कंध में एक निष्कपट एक विरक्ति का जीवन में जो बताया ना, गुरुदेव कहते थे अरे ये किसकी जीवन में ये दिखाई पड़ता है, केवल श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जीवन में ये संपूर्ण रूप में प्रतिफल होता था, पूरा के पूरा इनका जीवन में महाप्रभु भक्त जत्थो वैराग्य प्रदान जहां देखे तुष्ट गौर नारायण। कहते अगर ये किसकी जीवन में, गुरुदेव कहते थे अगर किसकी जीवन में दिखाई पड़ता है केवल श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति, ये साक्षात वैराग्य मूर्ति ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। इसलिए आज तो इनका जन्मतिथि इनका तिरुभाव तिथि है, इसलिए इनका आदर्श लेना तो बहुत कठिन है, हमारे लिए तो बहुत कठिन है क्योंकि हमारी स्थिति अभी वो है ही नहीं, एक दिन अगर पेड़ को नीचे रह जाए ना दूसरे दिन तो बीमारी बढ़ जाएंगे हैं। इसलिए गुरुदेव ने इतना सुंदर मंदिर क्यों बनाए, गुरुदेव ने इतना सुंदर क्यों बनाए, इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद ये साधुओं को तो पेड़ को नीचे रखकर भजन करनी चाहिए, आप इतने सुंदर मंदिर बनाए और चेयर लगाए इतना सुंदर उन्होंने गालीचा बिछवाए क्यों, तो प्रभुपाद कहते देखो मेरे लिए ये सब जरूरत नहीं तुम लोगों के लिए जरूरत है, मैं तो पेड़ को नीचे बैठ कर भजन कर लूंगा, लेकिन तुम लोग जैसे बाबू भैया मतलब जो बाबू लोग हैं अगर मैं पेड़ के नीचे बैठ कर भजन करूंगा ना तुम लोग कोई नहीं आओगे, लेकिन तुम लोगों को धीरे 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 हम संस्कार बना करके अनधिकारियों को धीरे धीरे अधिकार दे करके हम भगवान की चरण में ले जाना चाहता हूँ, ये तुम लोगों के लिए मेरे लिए नहीं। इसलिए गुरुदेव हमारे भी बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, गुरुदेव देखो कितना सुंदर मंदिर बनाए, फिर कितना सुंदर गेस्ट हाउस बना दिया, फिर सवेरे उठते फिर गर्म पानी और यहाँ बैठने के लिए कितना सुंदर गद्दा बिछवा दिए, क्या क्या कर दिया क्यों, अगर नहीं होता ना आप लोग हम मैं तो खुद नहीं आता, आप लोग भी शायद कोई हम लोग कोई भी एक भी यहाँ नहीं आते,
इसलिए हमारे गुरुवर्ग हम धीरे 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 हम आस्ते आस्ते कैसे भक्ति जगत में अग्रसर हो सकते हैं, इसलिए गुरुवर्ग बड़े दयालु बड़े कृपालु है, इसलिए हम लोगों के लिए उन्होंने बनाए। लेकिन हमारा जो लक्ष्य रहेगा श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज तक हमारी लक्ष्य रहनी चाहिए। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि, ये हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, जैसे एक एक दिन ना एक दिन इनके जैसे बन करके, जैसे उन्होंने चित्कार चीख चीख कर हरि नाम करते थे भजन करते थे, हम भी ऐसे आकुलित व्याकुलित होकर के विप्रलंब भाव से जैसे हम भजन कर सके, हम यही बोलकर इनका चरण में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और देखो कितना सुंदर आइसक्रीम भी आ गया।